नमस्कार, हरे कृष्णा। आजकल के युवाओं की एक समस्या है, कितने लोगों के साथ उनके रिश्ते जुड़े लेकिन कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है, उसके अलावा अगर उन्होंने किसी तरीके से विवाह भी कर लिया परिवार वालों को मना के, तो वो विवाह भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलता है। तो ऐसा क्या करें कि आप और आपके पार्टनर के बीच सामंजस्य की कमी ना हो और दोनों लोगों में प्रेम बना रहे। अब वो चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड हो, वो डिपेंड करता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला उपाय आपको बता दें, बहुत ही आसान है, जो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ बेवजह लड़ाई होती है, मतलब कोई मैटर नहीं होता, मसला नहीं होता, लेकिन चूंकि लड़ना होता है तो आप लड़ लेते हैं, दो दिन तीन दिन आप बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे से, उसके बाद फिर जाके धीमे धीमे रिश्ते सामान्य होने लगते हैं। इसका एक उपाय है जो बहुत आसान है। आप जिस भी शहर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ आस पास कोई ना कोई नदी ज़रूर होगी। अगर नहीं है तो 150 किलोमीटर की दूरी पर तो होगी ही होगी। आप वहाँ जाएँ, स्नान करें और उस नदी में ही अर्घ देते हुए आप अपनी समस्या, जो भी नदी हो, गंगा मैया हो, सरयू मैया हो, जो भी हो, नर्मदा मैया हो, उनसे आप कह दें और उनसे कहें कि भाई बहुत हुआ मैया, अब आप संभाल लो मेरी, जो भी कुछ भी है वो आप संभालो, मुझसे अब नहीं हो सकता। आप यकीन मानिए, आपकी समस्या धीमे धीमे करके खत्म होती हुई दिखने लगेगी। एक उपाय और है, अगर आप दोनों पार्टनर में, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति पत्नी जो भी हो, उनमें लड़ाई लगता है, नहीं साहब आप नदी में नहाने नहीं जा सकते, नदी बहुत दूर है, तो क्या करेंगे आप? एक दूसरे के साथ जब भी आप रहें तो लाल कपड़ा पहनने से अवॉइड करें, क्योंकि लाल जो है वो मंगल का रंग है और मंगल क्या है, बहुत ही गर्म ग्रह है, वो आक्रोश पैदा करता है, सेनापति है वो ग्रहों का, तो वहाँ भी लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप एक तो लाल रंग के कपड़े पहन के मिलने के लिए डेट पे बिल्कुल भी ना जाएं, अगर आप दोनों लोगों में अक्सर लड़ाई होती रहती है तो। ये उपाय भी काफ़ी कारगर है, आपको इसका लाभ दिखाई देने लगेगा। हाँ, आप डेट पे जाते वक्त आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं, वो कपड़े जो थोड़े कूल हों, जो ठंडे हों, उस रंग के कपड़ों को पहनने से, जब आप उन कपड़ों को पहन के आप जाएंगे अपने पार्टनर से मिलने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपके रिश्ते में एक प्रगाढ़ता आएगी और एक मधुरता आएगी। अच्छा, जो लड़के हैं या लड़कियां भी, उनके लिए भी एक और उपाय है कि अगर रिश्तों में बार बार आपके तकरार हो रही है, लड़ाई झगड़ा और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग बृहस्पतिवार के दिन ना बॉयज़ और ना ही गर्ल्स हेयर कट नहीं लेंगे। आप अपने दाढ़ी बाल, या लड़कियां अपने आईब्रो सेट करवाती हैं, बाल कटवाती हैं, वो थर्सडे के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उस दिन आपको पीले रंग का कोशिश करिए कपड़ा पहनिए और फिर अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाइए, या पति पत्नी अगर शाम को कभी मिलें, बैठें ऑफिस से पति के घर आने पे, तो भी पत्नी को चाहिए कि वो पीले रंग का कपड़ा पहने, और पति को चाहिए कि वो पीले रंग की न हो तो शर्ट तो डाल ही सकता है भाई। रिश्ता बचाना है तो हम लोगों को छोटे छोटे उपाय करेंगे तभी संभव है। और ऐसा नहीं है, ये उपाय क्या करते हैं कि ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, वो एनर्जी जितनी अधिक बैलेंस होगी उतने ही अधिक आपका रिश्ता मजबूत और मधुर बना रहेगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो अक्सर लोगों को लगता है, लड़के को भी लगता है और लड़की को भी लगता है, कि उनका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, या लड़के को लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, भले ये हकीकत में न हो, लेकिन एक मन का वहम तो होता ही है। इसका एक छोटा सा उपाय है, थोड़ा सा खर्चीला है, ज़्यादा नहीं। एक चांदी की अंगूठी बनवाएं, उसमें आप चंद्रमणि जड़वा लें, ध्यान रहे मोती नहीं, चंद्रमणि, चंद्रमणि जड़वाएं और सोमवार के दिन सुबह सुबह उसे धारण कर लें। इससे भी काफ़ी हद तक आपके रिश्तों में
जो मधुरता है, जो संबंध हैं, वो बेहतर बने रहेंगे। उम्मीद है आपको ये उपाय बेहतर लगे होंगे। नमस्कार, हरे कृष्णा।